क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वैसे सब हो गया। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा काम रह गया था, मैंने कहा चलो कर लेती हूँ, फिर मैं काम कर लूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। तो अभी हम बैठे हैं और खाना वगैरह खा रहे हैं। ये हमारी गुड्डू रानी है। खाना खा लिया गुड्डू? हाँ गुड्डे, खाना खा लिया? नहीं बस खा लिया। मम्मी खा रहे हो खाना? हेलो गाइस, ये मेरा माइका है और देखिए बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं खेलते हुए। अब जाने की तैयारी है। स्टेशन पर बैठ चुके हैं, यहाँ पे ट्रेन खड़ी है, ये जाएगी अमृतसर। अमृतसर हमारे पीछे है जो आप देख सकते हो। तो अभी हमारी ट्रेन आने वाली है, अम्बाला कैंट खड़ी है। तो ये मेरा बेटा और ये करनाल चले गए थे बुआ के पास, वहाँ से आ रहे हैं। तो हमने सोचा अब घर के आओगे तो हम स्टेशन पे ही आ जाते हैं, वहाँ से तो यहीं से निकल लेंगे सीधा पटियाला, और मिलते हैं आपको पटियाला में ही, या फिर रास्ते में कुछ दिखा देंगे कुछ अच्छा सा आया तो। तो ये ट्रेन जो खड़ी थी वो भी जा चुकी है, आप देखिए पहले ही आ गए हैं। पता क्यों? क्योंकि जब ये साथ नहीं होते ना तो हमें टेंशन सी रहती है, ट्रेन ना निकल जाए, ट्रेन ना निकल जाए, डर सा रहता है एक। तब ये अब हम पहले ही आ गए, तो अब हमारी ट्रेन वहाँ से चल पड़ी है, कैंट से चल पड़ी है, तो बस आने ही वाली है। तो ट्रेन आएगी तो उसमें बैठेंगे, तो देखते हैं कब मिलते हैं आपसे। बैठे हैं स्टेशन पे, भैया और भाभी ने बहुत रोका, कहते रुक जाओ रुक जाओ, बर्थडे यहीं पे करेंगे कि चलो यहाँ मना लेंगे। मैंने कहा नहीं, मैंने घर ही जाना है। तो कुछ बेटे का बर्थडे बेटे का पेपर था कल, तो मैंने कहा घर पे ही ठीक है, तो हम जाएंगे घर पे और देखते हैं आज क्या करते हैं, बर्थडे में थोड़ा बहुत कर लेंगे। मैं तो इनको मना कर रही कि नहीं रहने दो, बस अब क्या बर्थडे करना, बड़े हो गए मतलब कि बच्चे हो गए, आप क्या बर्थडे, तो बच्चों के बर्थडे करने के लिए होते हैं। तो चलो देखते हैं शाम को क्या करते हैं प्रोग्राम छोटा मोटा, और ऐसे ही बने रहना हमारे साथ। तो गाइज यहाँ बर्थडे तो हुआ नहीं, क्योंकि वो था ना नवरात्रे चल रहे थे, याद नहीं था मुझे, तो करेले की तैयारी बन गई। तो गाइज यहाँ पे मम्मी ने फटाफट से कट किया, प्याज वगैरह सब कट कर दिया मैंने, गर्म पानी में करेले को डाल दिया और उसको फिर निकाला, निचोड़ा, और फिर बिना धूप लगवाए हमने करेले बनाए, और इतने अच्छे बने ना, कड़वे बिल्कुल नहीं बने। उसी टाइम कटिंग की, उसी टाइम बना लिए, और मतलब कहते हैं ना कि धूप लगवानी ज़रूरी होती है, पर हमने धूप नहीं लगवाई क्योंकि टाइम ही नहीं था। फटाफट से मम्मी ने कट कर दिया और मैंने प्याज पूज डाले, प्याज नहीं, मैंने पहले गलती हो गई थी मेरे से, यहाँ पे मैंने प्याज डाल दिए। अब मैं निकालूँगी प्याज बाहर, और पहले मैंने करेले डालने थे, तो मैं निकालूँगी इसको, और फिर पहले मैं करेले को फ्राई करके करेले निकाल दूँगी, उसके बाद मैं प्याज डालूँगी। और एक बात है कि गर्म पानी में ज़रूर करेलों को डालना चाहिए, जिससे कड़वाहट निकल जाती है, और नमक लगा के रख लो, और वो कड़वाहट जो होती है वो निकल जाती है गर्म पानी से, और हम उसी टाइम कटिंग करके उसी टाइम बना सकते हैं करेले, और इतने टेस्टी बनती है ना बिना धूप लगवाए भी, बहुत टेस्टी। आप एक बार ट्राई करके देखना, फिर आपको भी पता लगेगा कि बिना धूप के ही उसी टाइम कट करो, उसी टाइम बना लो, और इतने टेस्टी बने थे कि उसी टाइम ही ख़त्म हो गए थे हमने जब खाए ना, मतलब अच्छे टेस्टी बने थे। ट्राई ज़रूर करना। देखो यहाँ पर मैं कर रही थी इनको फ्राई, और फिर मैं इनको निकाल दूँगी करेलों को, निकालने के बाद फिर मैं प्याज को डाल दूँगी, फिर सब मसाला वगैरह। देखते रहिए और बने रहिए, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। तो गाइज यहाँ पे मैंने फिर करेले निकाल दिए थे और प्याज को डाल दिया था रेड होने तक प्याज को, फिर मैंने करेले डाले इसके अंदर, तो वो उनको फ्राई करती रही। तो हर दिन
और हो गए हैं करेले तैयार और अब खाएंगे। और बताना आपको देखने में करेले कैसे लग रहे हैं, तो खाने में कितने टेस्टी लग रहे होंगे। तो ऐसे ही साथ देते रहना। तो अब खाते हैं खाना। तो गाइज़ यहाँ पे पता नहीं कैसे आवाज़ बंद हो गई थी पीछे से, तो मुझे ही करना पड़ा ये सब। तो खाना हमारा हो गया था और मम्मी का मैंने अभी मंजा करना था क्योंकि मम्मी को सोना था और गुड नाइट मम्मी बोल रहे थे। तो मम्मी बोल रहे थे सभी को लाइक करना, शेयर करना, तो आवाज़ बंद हो गई थी तो मेरे को करना